डंपर की टक्कर से हुई छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों और छात्रों ने लगाया जाम। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। मामला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम चनोरा का है, जहां एक छात्रा दिव्या पुत्री सोनवीर अपने ग्राम नगला धनी से चनोरा स्थित रागी इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए अपनी साइकिल से जा रही थी। जैसे ही छात्रा दिव्या अपने स्कूल के सामने पहुंची, कोटला की तरफ से आ रहे एक डंपर ने छात्रा दिव्या को टक्कर मार दी और छात्रा को कुचल कर भागने की कोशिश करने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने डंपर में मौजूद ड्राइवर को चनोरा स्थित पेट्रोल पंप पर पकड़ लिया। छात्रा की दुर्घटना की खबर सुनते ही रागी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए और उसके बाद छात्र छात्राओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़कों पर जाम लगाना शुरू कर दिया। आ रहे वाहनों के आवागमन को रोक दिया और मौके पर मौजूद कुछ उपद्रवियों ने सड़क पर चल रहे वाहनों को तोड़ने की भी कोशिश की। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह समझने का नाम नहीं ले रहे थे। साथ ही छात्रों को उठने से मना कर रहे थे। इसी बीच कुछ उपद्रवी ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव करना भी शुरू कर दिया। पथराव होते देख पुलिस द्वारा हल्के बल का प्रयोग भी किया गया और उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी सिटी ने बताया कि कुछ छात्र छात्राओं और ग्रामीणों द्वारा जाम लगा दिया गया था, उनको समझाकर हमने जाम खुलवा दिया है और कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर पथराव करने की कोशिश भी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना में गनीमत यह रही कि कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। हम तुम्हारे साथ 24 घंटे एक ही जगह, ठीक है, आप परेशान मत हो, हम आपके साथ।
रागी इंटर कॉलेज की आज स्कूली छात्रा थी, जिसका एक डंपर से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। इसको लेकर के आसपास के मोहल्ले के और गांव के लोग आक्रोशित थे। उनके द्वारा थोड़ी देर के लिए जाम भी लगाया गया। यहाँ पर मौके पर सभी सक्षम अधिकारी SDM साहब, CO साहब, मैं स्वयं भी पहुँच गए। लोगों से वार्ता की गई, समझाया बुझाया गया। समझाने बुझाने के बाद सौ को ट्यूशन के लिए भेज दिया गया है। इससे अतिरिक्त कुछ उसमें उपद्रवी तत्व थे, कुछ लोगों ने उकसाने काम किया, जिससे थोड़ा बहुत उसमें पथराव हुआ। कोई भी इंजर्ड नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हांकन करके प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराएंगे।